हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए शिक्षक भर्ती से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेकर आए हुए हैं। अगर आपने प्रवक्ता के पेपर दिए हैं, या फिर अगर हम बात करें आपने एलटी शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के फॉर्म भरे हुए हैं, तो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए यहाँ पर जानते हैं इन सभी न्यूज़ के बारे में कि क्या कुछ यहाँ पर आया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पे प्रवक्ता भर्ती की, फिर एलटी शिक्षक भर्ती, और फिर करेंगे हम बात यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे प्रवक्ता शिक्षक भर्ती की। तो आपको बता दें कि प्रवक्ता के लिए जो आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म भरे थे, उसमें से बता दें कि टोटल जो फॉर्म भरे गए थे वो 16,000 फॉर्म भरे गए थे, जिसमें से केवल 700 ही अभ्यर्थी यहाँ पर जो है वो पास हुए। तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर आज के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि सरकारी इंटर कॉलेज में प्रवक्ता बनने का सपना देख रहे 15 से अधिक अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की सीधी भर्ती में 917 पदों के सापेक्ष 16,585 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी, मगर 94 यानी 94% अभ्यर्थी की उम्मीदों पर भौतिक विज्ञान, नागरिक शास्त्र, इतिहास विषय में ने पानी फिर दिया। परीक्षा में 869 अभ्यर्थी ही पास हो सके। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 16,000 के आसपास यहाँ पर अभ्यर्थियों ने भरा था, जिसमें से केवल 869 अभ्यर्थी यहाँ पर पास हुए। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया कि शिक्षा विभाग ने राज्य के इंटर कॉलेजों में 917 रिक्त पदों की सीधी भर्ती के भरने के लिए आयोग को लिखित परीक्षा कराने का प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद इस साल 16 से 18 फरवरी तक उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा, जो कि यहाँ पे संवर्ग अगर हम बात करें समूह का सामान्य एवं महिला शाखा की परीक्षा आयोग ने कराई। अलग अलग विषयों के लिए आयोजित परीक्षा में 16,585 अभ्यर्थी शामिल हुए। इधर 17 मई को आयोग ने सभी विषयों का परीक्षा परिणाम जारी कर दिया। इसके तहत भौतिक विज्ञान प्रवक्ता पद पर 16,099 में से 238, तो देख सकते हैं दोस्तों भौतिक विज्ञान में भी काफ़ी ज़्यादा थे, सॉरी 16,000 नहीं, यहाँ पर 1,699 में से 238 पास हुए। नागरिक शास्त्र की बात करें तो नागरिक शास्त्र में भी काफ़ी कैंडिडेट ने भरा हुआ था, 6,000 कैंडिडेट थे, 6,194 में से 268 कैंडिडेट पास हुए। वाणिज्य की बात करें तो वाणिज्य में 508 जो थे कैंडिडेट ने यहाँ पे अप्लाई किया था, जिसमें से 10 पास हुए। कृषि में अगर हम बात करें तो 27 थे, ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं थे, 27 में से केवल 2 हुए। और इकोनॉमिक्स की बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र में 3,510 में से 166 पास हुए। और इतिहास की बात करें तो 4,601 में से 180 अभ्यर्थी। और मनोविज्ञान की बात करें तो इसमें 86 में से 5 अभ्यर्थी को सफलता मिली। उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साक्षात्कार जून के अंतिम सप्ताह में होंगे। तो आपको बता दें कि आप लोगों ने जिसने भी प्रवक्ता का यहाँ पे आप लोगों का अगर रिजल्ट आया हुआ है, तो आपका जो इंटरव्यू होगा वो जून के लास्ट में होगा। तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिन्होंने भी यहाँ पे क्वालिफाई कर लिया है तो आप लोगों को अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है। आयोग ने इसके लिए लास्ट मौका दिया हुआ है, और अगर आपने ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाया तो शायद आपको इंटरव्यू से रोक दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या दिया गया है। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, 20 मई कल के डेट में जारी किया गया उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। और आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि 7 विषयों, नागरिक शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भौतिक विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, और यहाँ पे दिया गया जिसका परिणाम 17 मई 2019 को घोषित किया गया। यहाँ पे दिया गया कि उक्त परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के समर्थन में अर्हता संबंधी समस्त अभिलेख, उपाधि, विभागीय अनापति, आरक्षण, ये सभी के सही जितने प्रमाण पत्र हैं, स्वप्रमाणित छाया प्रति, ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट के साथ 4 जून, तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, 4 जून तक आपको शाम 6 बजे तक जो है वो सचिव लोक सेवा आयोग गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार, जो कि पिन नंबर दिया गया, कार्यालय में डाक द्वारा अन्य किसी भी माध्यम से जमा कराना सुनिश्चित करिए। तो आप डाक के द्वारा करें, या अगर आप खुद जा सकते हैं तो खुद अपने डॉक्यूमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि 4 जून तक आप कर दें, तभी इसी आधार पर आपका इंटरव्यू की डेट आएगी और इसी आधार पर आपको यहाँ पर सेलेक्ट किया जाएगा। नहीं तो आपके फॉर्म में रिजल्ट लिखा हुआ जाएगा, जैसे आपने अभी जो फर्स्ट फेज के एग्जाम में देखे होंगे बहुत सारे अभ्यर्थियों का यहाँ पर रिजल्ट कर दिया गया, उनके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे। तो इसलिए आपको जो है 4 जून तक अपने डॉक्यूमेंट रखना है, तो ये आयोग ने यहाँ पर जारी कर दिया। तो आप लोग अगर आपके जानने में भी कोई हैं जिन्होंने उत्तराखंड में क्वालिफाई किया है प्रवक्ता का, तो आप ज़रूर बता दें उनको। तो ये सभी के सभी यहाँ पे दिया गया, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि सभी चीज़ के प्रिंट आउट आपको निकालना है और 4 जून 2019 तक शाम 6 बजे तक कार्यालय में कर दें, उन्हें आयोग द्वारा प्रश्नगत परीक्षा अनिवार्य घोषित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि अगर जिन्होंने 4 जून तक नहीं पहुँचाया अपने डॉक्यूमेंट तो वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, दूसरी जो न्यूज आई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सब आपको पता है कि
सरकारी स्कूलों में हर साल होगी शिक्षकों की भर्ती, और इसके लिए जो है वो कैलेंडर यहाँ पे जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक टाइम टेबल निकाल दिया गया है। और अब आपको बता दें कि हर साल जो है वो भर्ती आएगी शिक्षकों की, इसमें देखा जाएगा कि कितने शिक्षक रिटायर हो रहे हैं, कितने स्कूलों में कितनी यहाँ पर पद खाली हैं, और उस आधार पर निकाला जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर ब्यौरा जो है वो जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि सरकार ने आज बेसिक शिक्षा के लिए नियुक्ति प्रमोशन का टाइम टेबल जारी कर दिया। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सोमवार को जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया है, और मीनाक्षी सुंदरम ने इसके आदेश भी दे दिए हैं कुछ समय पहले ही। शिक्षा निदेशक ने ये बात कही गई थी। तो देखिए भर्ती कैसे होगी, मेन हमको इस पर ध्यान देना है। तो भर्ती की बात करें हम तो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाया जाएगा, और 1 से 25 अगस्त तक भर्ती पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति प्रकाशित होगी, और 25 सितंबर से 5 अक्टूबर आवेदन पत्रों की जांच होगी, और 6 से 10 अक्टूबर के बीच नियुक्ति होगी। तो देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि इस प्रकार से जो ये निकाला गया है, और ये बिल्कुल टाइम टेबल जो है वो जारी कर दिया गया है, और इसी आधार पर यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया करने की यहाँ पर कोशिश पूरी की जा रही है। और आपको बता दें दोस्तों कि इस प्रकार से पूरा का पूरा दिया गया है, तो केवल आप देखें तो 25 यहाँ पर दिया गया है कि अगस्त में तो यहाँ पर विज्ञप्ति निकलेगी, और सितंबर और अक्टूबर में यहाँ पर आवेदन की जाँच हो जाएगी, और अक्टूबर तक नियुक्ति। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर केवल 2 महीने का टाइम दिया जा रहा है, तो इसका असर आपको सीधा अब LT में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप LT का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको केवल 2 महीने का ही टाइम दिया जाएगा वहाँ पर। और आपको बता दें कि LT के जो फॉर्म है वो जून के महीने और जून लास्ट और जुलाई तक आपके आ जाएंगे, ये बिल्कुल कन्फर्म हो चुका है। तो आप यहाँ पे भर्ती जल्दी आने वाली है, तो इसके लिए आपको एक चीज़ और है कि अपना आय प्रमाण पत्र बनवा लें, और जो 10% आरक्षण की श्रेणी में आते हैं तो वो बनवा लें। तो देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करना है, तो ये आपको यहाँ पर बताते हैं। तो सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, इसके साथ ही आपका 10% आरक्षण बनेगा, क्योंकि अगर आप आय अगर आपकी कम है तभी तो आप यहां पर जो 10% आरक्षण का जो फॉर्म है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आज की न्यूज़पेपर में क्या कुछ आया हुआ है, तो इसके बारे में भी दिया गया है। अगर आपके पास भी हिंदुस्तान न्यूज़पेपर है 21 मई का, आप यहां पर दे सकते हैं डेट, और तो यहां पर दिया गया है कि आय प्रमाण पत्र कैसे बनाना है और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो इसके लिए देख सकते हैं यहाँ पर, तो आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ब्लर आ रहा है, लेकिन चलो हम आपको यहाँ पे पढ़ के बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आय प्रमाण पत्र बनाने का कागज पर तहसीलदार के नाम एवं प्रार्थना पत्र लिखें, जिस कार्य के लिए आय प्रमाण पत्र बनाया जाना है उसका जिक्र करें, आपको खुद ही अपनी वार्षिक आमदनी की घोषणा भी करनी होगी। तो देखिए आपको खुद बताना पड़ेगा कि आपकी वार्षिक आमदनी कितनी है, और आपको आय प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र लिखना पड़ेगा कि हम 10% आरक्षण के लिए आय प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं। अगर आपका आय प्रमाण पत्र जिनके नहीं बना है, जिनका बना है उनकी तो बहुत अच्छी खबर है कि आप लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल अपना डॉक्यूमेंट एक फॉर्म मिलेगा जो हमने आपको पहले भी दिखाया था प्रीवियस वीडियो में किस प्रकार का फॉर्म है, उसको आपको भर करके और अगर उस पर तहसीलदार साइन करे तो वही आपका 10% आरक्षण का सर्टिफिकेट है, ठीक है। तो अगर इसके लिए अगर जिसका आय प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो सबसे पहले आपको आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, तभी आपका आय प्रमाण पत्र के आधार पर ही आपका वो सर्टिफिकेट 10% वाला बनेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वार्षिक आमदनी की घोषणा आपको खुद करनी पड़ेगी, इस पर 2 रुपये का टिकट चिपकाकर पार्षद या फिर स्थानीय जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी करवाएं, पासवर्ड फ़ोटो के साथ आधार कार्ड राशन कार्ड की फ़ोटो स्टेट और असली कॉपी की सी तहसील या फिर अपने इलाके के जन सुविधा केंद्र, यानी जो ऐसे वो होता है जन सूचना केंद्र, जहां आपने देखा होगा कि आधार कार्ड वगैरह बनवाते हैं और जहां पर आप ऑनलाइन यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, और जहाँ से आप नहीं रहोगे ये आयुष्मान कार्ड भी बन रहा है जहाँ पर, उसी को कहते हैं जन सूचना केंद्र CSC में अपना आवेदन जमा करें। 15 दिनों के भीतर अन्य प्रमाण पत्र जारी होगा, अगर पटवारी का कोई दस्तावेज काम लगा तो वह आपके आपत्ति दर्ज करवाएगा, जिसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप चाहें तो ऑनलाइन जो है आय प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कर सकते हैं, केवल आपको एक प्रमाण पत्र लिखना है, एक फ़ोटो लगानी है, साइन करवा लें यहाँ पर और अपनी आमदनी लिखवा करके, और आप CSC जन सूचना केंद्र में चले जाएं और यहाँ से ऑनलाइन कर सकते हैं। 15 दिन में जो है ये आपका आय प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई आपत्ति आती है इसमें तो पटवारी आपसे संपर्क करेंगे यहाँ पर, तो ये सब ऑनलाइन आपको मिल जाएगा, तो इस प्रकार से आप बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर एक मुद्दा आया था कि आय प्रमाण पत्र में यहाँ पर 150 रुपये वसूले जा रहे हैं, लेकिन इसके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है, तो ये भी आप दे सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि हल्द्वानी में आय प्रमाण पत्र के लिए 150 रुपये वसूली, तो इसके लिए कोई फीस नहीं लगती है, तो आप यहाँ पर
जा करके सीएससी में आवेदन कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा दिया गया है ये आज के लिए, आज के न्यूज़पेपर अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये हमारे पास आज का न्यूज़पेपर है हल्द्वानी नैनीताल का, तो इसमें दिया गया है कैसे कैसे बनाने, पूरा का पूरा यहाँ पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आय प्रमाण पत्र के लिए तहसील आने की भी ज़रूरत नहीं है, इलाके के जन सूचना केंद्र। तो देखिए बहुत ही ईजी है, जन सूचना केंद्र में जाना है, केवल आपसे 30 रुपये लेगा। यहाँ पे देखिए शुल्क भी दिया गया है कि 30 रुपये शुल्क के साथ आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पटवारी भी अब प्रमाण पत्र ऑनलाइन ही रिपोर्ट लगा देगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा हो गया दोस्तों, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना तहसील जाने की ज़रूरत है, ना कहीं भी। आपके आसपास जन सूचना केंद्र आपके पास होगा, जहाँ पे आयुष्मान कार्ड बनता है वही जन सूचना केंद्र है। तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पर ये आवेदन कर दीजिए। तो 30 रुपये केवल वो लेंगे आपसे, इससे ज़्यादा कोई नहीं ले सकता, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे किसी ने 150 रुपये लिया था तो उन पर कार्रवाई हो गई है। तो 30 रुपये देना पड़ेगा आपको और ये आय प्रमाण पत्र बनाने, क्योंकि यही जो है इस हिस्से आपका 10% आरक्षण मिलेगा। और आपको बता दें कि जो लेक्चर की जो यहाँ पे एलटी की भर्ती आ रही है उसमें 122 से 123 पोस्टें जो हैं वो 10% आरक्षण वालों की है। तो आप अपना ये काम जरूर करवा लें। इसके अलावा थर्ड न्यूज है वो है यहाँ पे UOU यानी जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय है, इसकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। और आप जो है अगर यहाँ पर प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो आप यहाँ पे सब चीज़ फॉर्म लेकर के जमा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2019-20 में शैक्षणिक कैलेंडर जारी हो गया है और 1 जुलाई से प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। प्रवेश के तहत 14 अगस्त तक फॉर्म जमा किए जा सकते हैं, 31 अगस्त तक 250 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे दिया गया है, आप जान सकते हैं कि अगर आपको मेन यही है कि अगर आप उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 1 जुलाई से फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए शुक्ल यहाँ पर अगर हम बात करें तो 14 अगस्त तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ ही आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षकों से भर्ती से रिलेटेड यही है कि आपको बता दें कि प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती जल्दी यहाँ पर देहरादून और पौड़ी और उधम सिंह नगर को की भर्ती यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और इसके लिए यहाँ पर आचार संहिता के बाद जो वैकेंसी है वो निकल जाएगी, उसके साथ ही आपका मेरिट सिस्टम जारी हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो बेरोजगार युवा हैं उन्होंने कहा है कि अगर आचार संहिता के बाद ये वैकेंसी नहीं निकलती है तो यहाँ पे वो आंदोलन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है शिक्षकों से रिलेटेड जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप ये काम कर लें, अगर प्रवक्ता का भरा है तो आप 4 जून तक अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर पोस्ट कर दें।